कल हॉस्टल में आपको मन नहीं लगता है ना? नहीं। खड़ी हो जाओ। अच्छा कौन सुन सा? ले तू अपनी बेटी की पुकार, जन्म से पहले तू मुझको न मार। मेरे बिन भैया को तुम राखी किससे बंधवाएगी। और यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट में पड़ती है, जो खाना पीना ये सब चीज फ्री में मिलता है। हमारो तू न मालिकवाई दाय माई, साखी के पढ़ाई देखी आवेला रवा। मैकमिन सर, मैकमिन सर, सिट डाउन। तो यहाँ पर देखिए सर हैं, और अभी हम अम्बेडकर छात्रावास में हैं, जो इसमें एक हैप्पी नाम की लड़की है जो बहुत ही अच्छा संगीत यानी ये गाना गाती है अम्बेडकर जी पर, और अम्बेडकर जी के नाम पर यह स्कूल भी है। तो सबसे पहले हम सर से बात करेंगे। सबसे पहले आप सर की, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रविंद्रनाथ मिश्र है। अच्छा, मैं अब सहायक शिक्षक हूँ। जी जी। और साथ साथ मैं यहाँ बच्चों को संस्कृत की शिक्षा दे रहा हूँ। अच्छा, संस्कृत आप पढ़ाते हैं? जी हाँ सर। दोस्तों अगर देखा जाए तो बहुत ऐसे जो प्राइवेट स्कूल है जहाँ पर संस्कृत की पढ़ाई बिल्कुल बंद हो गई है, सही बात है कि नहीं? सही, धीरे धीरे तो इसमें इसका ह्रास हो रहा है, लुप्त होते जा रहा है, लेकिन होना नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए। लोगों को संस्कार इसी से मिलता है। सही बात है, संस्कृत से ही संस्कार मिलता है। जी जी। लेकिन लोग न जाने क्यों ज्यादा इंग्लिश की ओर भाग रहे हैं। अपने संस्कार को रखेंगे, संभाल कर रखेंगे, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, तो कितना अच्छे बात बोले मिश्रा जी, है कि नहीं? और अभी संस्कृत पढ़ा रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि आप लोग यहाँ छात्रावास में रहते हैं, रहते हैं ना? अम्बेडकर छात्रावास में रहते हैं। आपको यहाँ पर खाना पीना पढ़ना लिखना सब कुछ तो फ्री में मिलता है? यस सर। अच्छा आपको यहाँ मन लगता है कि नहीं लगता है? यस सर, लगता है। अच्छा किनको मन नहीं लगता है? किनको मन नहीं लगता है? नहीं लगता है, क्यों नहीं लगता है? ऐसे ही। ऐसे ही क्यों नहीं मन? मम्मी के याद ज्यादा आता है? हाँ। मगर पढ़ना है ना बेटा, फिर भी आप यहाँ पर आती हो ना? हाँ। हैप्पी है जो इन्हीं के स्कूल में हम आए हैं, और इन्होंने काफ़ी रिक्वेस्ट की है, और प्रिंसिपल सर से हमने पहले इजाज़त लिया है। इजाज़त लेने के बाद आज हम इनके क्लास में हैं। अच्छा ये बताइए कि हैप्पी कैसी गाती है? बहुत अच्छी गाती है। अच्छे आपको भी आता है गीत? अच्छे गीत आता है। अच्छे किनको गीत गाने और आता है? किसको? आप ही को, यानी हमने अच्छा सेलेक्ट किया था पहले। अच्छे खड़े हो जाइए आप। क्या नाम हुआ बेटा आपका? करिश्मा कुमारी। करिश्मा कुमारी, आपको गीत आता है ना? थोड़ा सा गाइए। मारो तू न मालिकवाई दाय माई, साखी के पढ़ाई देखी आवेला रुवाई। हमारो तू न मालिकवाई दाय माई, साखी के पढ़ाई देखी आवेला रवाई। घर में माई तू कामवा करवावेलू, घर से भेजाई के तू बकरी चरवावेलू। अब न चराई बे हम बकरी आए माई, साखी के पढ़ाई देखी आवेला रवाई। हमारो तू न मालिकवाई दाय माई, साखी के पढ़ाई देखी आवेला रुवाई। हमारो से माई तू खानावा बनवावेलू, घर से भेजाई के तू मजदूरी करवावेलू। अब न करबे हम मजदूरी आए माई, साखी के पढ़ाई देखी आवेला रुवाई। बहुत बहुत बढ़िया, क्लैप कीजिए, सारे लोग ताली बजाइए। दोस्तों आज अम्बेडकर छात्रावास में हूँ, और यहाँ पर करिश्मा नाम था इनका, करिश्मा, करिश्मा इनका नाम था, और ये बहुत ही अच्छा ये संगीत गाई है। बेटा बैठ जाओ।
और इतना अच्छा कि मेरी सखी जो है से पढ़ाई कर रही है और हम से मजदूरी करवा रहे हैं। सर कितना अच्छा संदेश है। सही बात है, है ना। आज के समय में पढ़ना लिखना तो बहुत जरूरी है। अब बच्चों में ये जागरूकता यदि आ रही हो तो ये है सो हम सबों के देश के लिए उत्थान का यह प्रतीक है। जी जी, चलिए बहुत ही अच्छा। और छे और कोई किसी को और गीत उत आता है या संगीत आता है गाना किसी और को, आप लोग को किसी को भी? अच्छा किसी को इधर, अच्छे आप लोग को किसी को इसमें से इधर से किसी में किन्हीं को आता है? नहीं आता है। चलिए कोई कोई बात नहीं। चलिए अब हम यहाँ पर पहुँचते हैं हैप्पी, हैप्पी के आज हम क्लास में हैं अम्बेडकर छात्रावास में। और हैप्पी एक तरह से यहाँ पर हॉस्टल है, गर्ल हॉस्टल। और गर्ल हॉस्टल में आपको मन नहीं लगता है ना? नहीं। खड़ी हो जाओ। अच्छा कौन सा गाना था बेटा कि जो आप गा रही थी और डीएम साहब ने आपको पुरस्कृत किया था, इनाम दिया थे, और वहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं, लोग थे जो आपको पुरस्कृत किए थे, इनाम दिए थे? ये जन्म से पहले तो मुझको न मारा थे। ठीक है गाइए। जन्म से पहले तू मुझको न मार, माँ मुझ पे तो ये कर उपकार, माँ मुझ पे तो ये कर उपकार, जन्म से पहले तू मुझको न मार, जन्म से पहले तू मुझको न मार, सुन ले तू अपनी बेटी की पुकार, सुन ले तू अपनी बेटी की पुकार, जन्म से पहले तू मुझको न मार, जन्म से पहले तू मुझको न मार, मेरे बिन भैया को तुम राखी किससे बंधवाएगी, मुझको मारेगी तो माँ बहू कहाँ से लाएगी, मेरे बिन भैया को तुम राखी किससे बंधवाएगी, मुझको मारेगी तो माँ बहू कहाँ से लाएगी, हाथ जोड़ के मैं तुझसे करती हूँ पुकार, हाथ जोड़ के मैं तुझसे करती हूँ पुकार, जन्म से पहले तू मुझको न मार माँ, जन्म से पहले तू मुझको न मार। चलिए क्लैप कीजिए सारे लोग। कैसा लगा आप लोगों को गाना ये? कैसा लगा बेटा? बहुत अच्छा। बहुत ही अच्छा लगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो एक बार लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हैप्पी के लिए, क्योंकि हैप्पी हैप्पी के साथ जितने सारे लोग हैं सारे बहुत ही अच्छे दिल के हैं। और यहाँ पर इन लोग पढ़ाई लिखाई करने के लिए आते हैं, इन लोग को भी अच्छा मन लगता है दोस्तों। और यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ती है, जो खाना पीना ये सब चीज़ फ्री में मिलता है। हाँ। अब मन लगेगा पढ़ने में भी, है ना? वो तो हम पहले से पढ़ रहे हैं, बहुत छोटे थे तब से, वन क्लास से यहाँ पढ़ रही हो। हाँ। तो फिर सोचो कि वन क्लास से सिक्स क्लास तक यानी छः साल यहाँ गुजार दी, फिर भी मन नहीं लग रहा है? नहीं, तो यहाँ उतना नहीं रहते थे ना, वो पुराने वाले हॉस्टल पे मन लगता था, ये तीसरा हॉस्टल है। अच्छा तीसरा हॉस्टल है। हाँ। अच्छा कोई बात नहीं, जगह यहाँ से वहाँ चेंज होते रहे तो अलग बात है, मगर एक सरकार की निगरानी। हाँ। सुनिए ना, वो लड़की बहुत अच्छा डांस करती है। कौन कौन? अच्छा ये डांस करती है ना, तो ये डांस म्यूजिक पर डांस करती होगी ना? हाँ। तो म्यूजिक तो अभी है नहीं, अब बाद में परमिशन लिया जाएगा तो किया जाएगा, है कि नहीं? तो चलिए दोस्तों हम मिलते हैं एक अच्छे वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत।